अब ले लो बिस्टुक ले लो। आइए हम लोग देखते हैं प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता। और आवर्धन क्षमता क्या होती है? प्रकाशिक यंत्रों के द्वारा किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना करके, ठीक है, और आवर्धन क्षमता निकालेंगे। और आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता, प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या कहा? जब किसी वस्तु को बिना सूक्ष्मदर्शी या बिना दूरदर्शी की वजह से देखोगे, और सूक्ष्मदर्शी का उपयोग क्या, बहुत छोटी वस्तु को देखने के लिए करते हैं। दूरदर्शी का उपयोग क्या करते हैं? बहुत दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए। और सूक्ष्मदर्शी से बहुत छोटी वस्तु देखोगे, आप यूटिलाइज नहीं करोगे, तो छोटी वस्तु आपको स्पष्ट दिखेगी नहीं, ठीक है। तो क्या करोगे? जब आप सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर लोगे तो उसी वस्तु का इमेज क्या बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा। और आप पे बनने वाला दर्शन कोण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूरदर्शी के केस में क्या होगा? बहुत दूर स्थित वस्तु आपको क्या करेगी? छोटी दिखेगी, स्पष्ट नहीं दिखेगी। लेकिन जब आप दूरदर्शी टेलीस्कोप का प्रयोग करोगे तो उसी वस्तु का आंख के पास बड़ा इमेज बन जाएगा। और बड़ा इमेज बनने के कारण क्या होगा? दर्शन कोण का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो दर्शन कोण की क्या कहा? किसी प्रकाशिक यंत्र की दर्शन कोण बढ़ाने की क्षमता को, किसी प्रकाशिक यंत्र के उपयोग के द्वारा, उपयोग के द्वारा दर्शन कोण, विजुअल एंगल बढ़ाने की क्षमता को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता बोलते हैं। प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता। कही जाती है इसको किससे दिखाते हो? कैपिटल एम से। कैपिटल एम बराबर प्रकाशिक यंत्र का उपयोग करने पे बने प्रतिबिंब के द्वारा आंख पे बना हुआ दर्शन कोण क्या हो जाएगा? प्रकाशिक यंत्र के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब से आंख पर बना दर्शन कोण और बटे क्या हो जाएगा? बिना प्रकाशिक यंत्र के उपयोग के वस्तु द्वारा आंख पे बना दर्शन कोण, बिना प्रकाशिक यंत्र के उपयोग के वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्पण कोण। अब देखिए बाई फिगर इसको हम समझेंगे किस तरह से दर्शन कोण बढ़ेगा। देखिए भाई, ये आपका क्या है? आंख है। और ये यहाँ पे आंख में प्रयुक्त होने वाला क्या हो गया? लेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या किया? एक वस्तु, इस वस्तु के द्वारा आंख पे बना दर्शन कोण आपका क्या हो गया? ये वाला हो गया, वस्तु के द्वारा।
आंख पे बना हुआ दर्शन कोण क्या बन रहा है? अल्फा बन रहा है। जब आप इसी के सामने एक क्या कर दो, एक अतिरिक्त क्या कर दो, लेंस लगा दो, और इस लेंस की फोकस दूरी आपकी कौन सा, ये F1, इधर क्या हो गया F2। वस्तु की स्थिति कहां पे हो गई? लेंस के प्रकाशित केंद्र और ध्रुव के बीच में हो गई। क्या करेगी? एक किरण यहां से जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण क्या करेगी, फोकस होकर के आएगी। दूसरी किरण क्या करेगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से ये किरण क्या करेगी, इधर चलेगी। अब ये आगे कहां मिलेगी, इन किरणों को क्या कर दो, पीछे की तरफ क्या कर दो, बढ़ा दो। तो यहां पे बना वस्तु का इमेज क्या बन गया, आभासी और बड़ा। अब इसके द्वारा आपका दर्शन कोण क्या हो जाएगा, किसके लेंस पे, इस लेंस पे ले आओ, क्या हो गया, दर्शन कोण का मान बढ़ गया। दर्शन कोण का मान बढ़ गया ना। आपने क्या किया, प्रकाशी केंद्र यूटिलाइज किया, प्रकाशी केंद्र में आपने क्या यूटिलाइज किया, उत्तल लेंस या माइक्रोस्कोप, और उसके द्वारा प्रतिबिंब क्या हो गया, बन गया। तो क्या कह रहा है, प्रकाशिक यंत्र उपयोग करने पे वस्तु का जो इमेज बनेगा उसके द्वारा बना हुआ आंख पे दर्शन कोण बटे वस्तु के द्वारा आंख पे बना दर्शन कोण। यहां पे आप दिखा दो, अगर प्रकाशिक यंत्र के द्वारा, प्रकाशिक यंत्र के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण कितना हो, बीटा हो, और वस्तु के द्वारा कब, जब प्रकाशी केंद्र का उपयोग नहीं किया गया है, जब प्रकाशिक यंत्र का उपयोग नहीं किया गया है तब क्या होगा, दर्शन कोण क्या ले लोगे, अल्फा, और आवर्धन यहां पे क्षमता क्या हो गई, आवर्धन क्षमता आपकी क्या हो जाएगी, बीटा बटे क्या, बीटा बटे क्या अल्फा, और यहां पे क्या है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो एम का मान क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन वन, और वस्तु क्या करेगी, बड़ी दिखेगी। ठीक है, वस्तु क्या दिखेगी, बड़ी दिखाई देगी। यही सिद्धांत किसका है, प्रकाशिक यंत्रों का सिद्धांत है, कि हम प्रकाशिक यंत्र सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी का उपयोग करके आंख के नेत्र, प्रकाशिक यंत्र के नेत्रिका के लेंस पे क्या करते हैं, उस वस्तु का बड़ा स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त कर लेते हैं, और उस प्रतिबिंब के द्वारा आंख पे दर्शन कोण निकाल लेते हैं, बेटा। और दूसरी स्थिति क्या कहा, केवल वस्तु के द्वारा आंख में बना दर्शन कोण छोटा, इसलिए वस्तु दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब आप प्रकाशिक यंत्र का यूटिलाइजेशन कर लोगे तो प्रकाशिक यंत्र के उपयोग के द्वारा आंख में बनने वाला दर्शन कोण क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे क्षमता क्या हो जाएगी, बीटा बटे अल्फा, बीटा का मान क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा, तो आवर्धन क्षमता बड़ी दिखेगी, और वस्तु हमें क्या करेगी, स्पष्ट दिखेगी। इसीलिए सरल सूक्ष्मदर्शी से या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वस्तु का बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। इसी तरह दूरदर्शी में भी बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के फोकस पे स्पष्ट बना लिया जाता है, और वस्तु क्या करती है, जब पास उसका इमेज बन जाता है तो आंख पे बनने वाला विजुअल एंगल का मान क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पे जो आपके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे आइदर वो माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, उनके द्वारा जो इमेज बनता है, इमेज के द्वारा आंख पे बनने वाला विजुअल एंगल बढ़ा लिया जाता है, और वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखेगी। तो दोस्तों अगले वीडियो लिंक में हम लोग सूक्ष्मदर्शी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, आप मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक दैट रिलेटेड ऑन द टॉपिक माइक्रो
स्कोप एंड इट्स टाइप एंड इट्स एप्लीकेशन।